स्पेशल एडिशन में आपके साथ मैं आदिति त्यागी। बात उत्तर प्रदेश की होगी, बात उत्तर प्रदेश की इसलिए होगी क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यानी 80 सीटें वहीं से आती हैं और बार बार आपसे कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर ही आता है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल यूपी को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, राम, अली, जाति, सभी का चुनाव में पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जनता की नब्ज को अभी भी कोई पकड़ नहीं पाया। बीजेपी गठबंधन को पिछले चुनाव में, यहाँ पर याद दिला दें, यूपी की 80 में से 73 सीटें मिली थी। बीजेपी इस चुनाव में यूपी में अपनी बढ़त को कायम रखना चाहती है, बल्कि ये कहना चाहिए मिशन 74 प्लस की बात कर रही है। तो दूसरी तरफ अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आ गए। पिछली बार 2 सीटों पर सिमट चुकी कांग्रेस इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में लगी हुई। ऐसे में यूपी की पूरी लड़ाई बहुत ही दिलचस्प और अहम है। 6 बजे के 6 सवाल जल्दी से आपके स्क्रीन पर। क्या यूपी के हवन से जीतेंगे 2019 का अश्वमेध? चौकीदार को वोट तो ईवीएम में दिखने लगा खोट। यूपी में क्या वोट से टूटेगी जात पात की दीवार? अब की बार भ्रष्ट परिवार वर्सेस ईमानदार चौकीदार है क्या? पहले चरण के वोट में किसको चोट लगी? अमेठी रायबरेली में क्या कांग्रेस का किला ढहने जा रहा? ये वो सभी सवाल जो हम अपनी इस बड़ी बहस में उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, मुजफ्फर खान समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, चेतन सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट खुद को बुलाते हैं, हालांकि थोड़ा रुझान जो है, झुकाव जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है, और शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट, रुझान थोड़ा राइट आइडियोलॉजी की तरफ है। सीधा मुजफ्फर खान आपका रुख करी हुए सवाल के साथ। सर, आपने सुना और देखा अमित शाह ने ये कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश को निजाम से मुक्ति दिलाई। सबसे पहले तो सर आपको पता है निजाम किसे कह रहे हैं? वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। जहां तक सवाल अमित शाह जी का है, जिस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, जिस पद पर वो बैठे हुए हैं, वो तो पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है उनको। नहीं सर, आप जानते क्या, जब अमित शाह ये कहते हैं, योगी जी बोल रहे थे, प्लीज मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, आप जानते हैं निजाम से क्या मतलब है अमित शाह का? जी, क्या कह रहे हैं वो? निजाम से मतलब है नसीमुद्दीन सिद्दीकी से मुक्ति, निजाम तो इमरान मसूद से मुक्ति। सर सुन लीजिए ना, इमरान मसूद से मुक्ति, आजम खान से मुक्ति, अतीक अहमद से मुक्ति, मुख्तार अंसारी से मुक्ति। देखिए, बात दरअसल है क्या आदिति जी, दरअसल इन अमित शाह जी और प्रधानमंत्री ने देश का निजाम बिगाड़ के रख दिया है। ये बहुत छोटी चीजें हैं जो ये सवाल आज उठा रहे हैं। ये हिंदू और मुसलमानों को बांटने की एक कोशिश है भाजपा के नेताओं की, और पूरा देश अच्छी तरह से समझ रहा है इस बात को। ये लोग अगर ये सोचते हैं कि भारत के लोग जो है वो बेवकूफ हैं, तो ये गलतफहमी में जी रहे हैं। दरअसल आप जाके देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जमीन पे कहीं है ही नहीं। आज हमने ये देखा है, अब से पहले 1947 से जब से हमारा देश आजाद हुआ, कभी देश में ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजनीतिक दल के खिलाफ गांव वाले ये कहें कि हमारे गांव में घुसना मना है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गांव में घुसना मना है, और गांवों से भाजपा के नेताओं को भगाया जा रहा है। अच्छा, केवल टेलीविजन पर, केवल न्यूज चैनल पर भाजपा दिख रही है, को बांटती है भाजपा। कई टेलीविजन वाले, क्या वो देवबंद की रैली का वो क्लिप चलाऊं मायावती का, जिसमें वो कह रही थी मुसलमानों से हमें वोट दीजिए, आपका वोट बैंक क्या है मुझे बताने की जरूरत है? क्या मुझे बताने की जरूरत है आपका ट्रेडिशनल वोट बैंक क्या है, बसपा का वोट बैंक क्या है? आप जनता को बहकाने का आरोप बीजेपी पर लगाते हैं सर, वही आरोप आप पर भी लगता है। प्रेम शुक्ला जी, आप लोग हिंदू मुस्लिम को बांटते हैं सर, ये सवाल मेरा आपसे भी है सर, नहीं, जो मैं उनसे कर रही थी वो आपसे भी। आदिति जी, हिंदू मुस्लिम बांटने का प्रश्न का, इसमें नसीमुद्दीन एन नसीमुद्दीन है जो कहते हैं एक महिला से पेश करो अपनी बेटी पेश करो, दूसरे इमरान मसूद जो कहते हैं प्रधानमंत्री की बोटी काट देंगे, तीसरे हैं आजम खां जो कहते हैं माँ भारती को डायन, और आज बजरंग बली उन्होंने प्रधानमंत्री जी का को गालियां दी, अध्यक्ष हमारे आदरणीय अमित शाह जी को गालियां दी, अब बजरंग बली का धर्मांतरण करने का दुष्कर्म कर रहे हैं। मैं पैगंबर मोहम्मद साहब के आगे अगर कोई और सरनेम लगा दूं तो क्या स्वीकार होगा मुजफ्फर खान को?
हमारे देवी देवताओं पर, हमारी आस्था पर प्रहार करेंगे। मुख्तार अंसारी खड़े होंगे, अतीक अहमद खड़े होंगे, जिनके बारे में कांग्रेस के शासनकाल में मुख्तार अंसारी के आईएसआई संबंध में ये रिपोर्ट है, अतीक अहमद के संबंध में सारे लोग जानते हैं। तो हम माफियाओं से, बाहुबलियों से, सांप्रदायिक लोगों से और महिला का उत्पीड़न करने वालों से यदि उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने की बात करें तो इसमें सांप्रदायिकता कहां से आ गई? ठीक है, बाय बाय होने जा रहा है, आपका हो चुका है, और चूंकि मोदी जी आ गए हैं इसलिए सांप्रदायिकता का दुष्कर्म करने वाले लोग खत्म हो चुके हैं। चुनाव लड़ रहे हो आप, इसलिए बबुआ जो है बुआ जी के चरण में वो पड़े रहने के लिए मजबूर है, इसलिए पिताजी की बात नहीं मान रहे, इसलिए चचा को गच्चा दे रहे हैं। ठीक, आप दोनों अपने आप को मॉरल ग्राउंड देते रहिए, हाई मॉरल ग्राउंड देते रहिए, लेकिन कड़करे में आप दोनों हैं। और चेतन सिंह, कांग्रेस तो ना 3 में ना 13 में, कहीं नहीं है। अच्छा, देखिए अदिति जी, सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी ने जो बोला, अभी जो भी कुछ बोला इन्होंने, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप के अलावा कुछ बोला? आरोप आप ये लगाइए, प्रधानमंत्री रैलियों में 7 साल पुरानी बातें ही करते हैं। यही प्रियंका वड्रा के संदर्भ में कोई कह देगा तो पूरी कांग्रेस सिर उठा लेगी। एक नेता स्वाति जी की बेटी को पेश करो की बात करना बेशर्मी की हद है आपकी। एक ऐसा ये इस तरह की बात मैं ये सत्य नहीं है क्या? नसीमुद्दीन ने स्वाति सिंह जी को पेश करो अपनी बेटी पेश करो ये कहा था? अगर ये प्रश्न जो है कोई कांग्रेस की श्रीमती वड्रा के संदर्भ में कह देगा तो क्या स्वीकार होगा आपको? बायोपिक के जरिए, इन सब तरीकों के जरिए क्या करते अपने चेहरे की चमक दिखाने की कोशिश करते हैं? वो हो रहा है सर, मेरा आपसे सवाल क्या था? मेरा आपसे सवाल था, आपका जो सवाल था मैं सवाल पे ही आ रहा हूँ। सर देखिए, कांग्रेस ने पूरा स्पष्ट कर दिया, देखिए हाँ टू द पॉइंट, देखिए जो इनकी जो अगर आप सीटों की बात करें तो आपने देखा अमेठी में और रायबरेली में क्या हुआ है, कांग्रेस अमेठी में भी नहीं है, जो भी सीटें हैं उनकी आनी ही आनी है। अभी ज्योतिराज सिंधिया जी ने भी क्या बोला है, जब चुनाव हो जाएंगे परिणाम आएंगे, एक फैसला आ सकता है, कुछ अलायंस का भी, कुछ गठबंधन का भी आ सकता है। देखिए सर, जो आप अमेठी की सीट मुझे बता रहे हैं भाई, अब स्मृति ईरानी यही तो कहनी है, डर गए मुझसे, इसीलिए वायनाड से भी राहुल गांधी को चुनाव लड़ना पड़ा है, हवन के सहारे हैं सब, और ये दो सीटें थी जो 2014 में कांग्रेस पार्टी बचा पाई थी और आपने भी दूसरों को हवाला दिया। आप समझ लीजिए, ये खुद ही समझ आ रहा है कांग्रेस कहां खड़ी है, दो सीटों पर सिमट गई। हाँ जी, मैं आपको हाँ देखिए, साउथ में जाके और एक ऐसे क्षेत्र में जाके जहां पर समीकरण भी थोड़ा सा बिगड़ रहा था, वहां पर जो ये साहसिक कदम साहसिक नहीं सांप्रदायिक। यहाँ की बात करेंगे अमेठी की, साहसिक शब्द गलत है, सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक अल्पसंख्यकों का इस देश के संसद पर पहला अधिकार कहने के दुष्कर्म को जो है मनाने के लिए चले हैं, और एक भगवान की जिन पर सबने आस्था है उनकी जाति बताता है, और सीता माता को टेस्ट्यू, अरे केरल में गैया कटवाए थे, अब मैया की सीट से बचने के लिए फिर गैया कटवाएंगे क्या? बुक्कुल नवाब केरल में गैया कटवाने गए हैं क्या? प्रदेश के केरल में गैया कटवाने गए हैं, लोगों की छुरी गैया की गर्दन पर, साथ जो छुरी गैया की गर्दन पर चलवाने गए हैं क्या? आपको समझ आ गया है, आठों की आठों सीट, मैं बता रहा हूँ आपको, आठों की आठों सीट में से हम तो जीतेंगे, आठों की आठों सीट, आप कहाँ है अमेठी रायबरेली के अलावा, और वीके और अमेठी भी गई, उसके जो सेना के बयान के ऊपर भी क्या बोला था वो आपके सामने स्पष्ट है सर, आप साफ बोल दिया की बात यहाँ पर कर रहे हैं, मेरा एक सवाल, सेना कहेंगे सेना को तो ये भी ठीक है सर, अब सेना को आप लोग ले ही आते हैं, फिर कहते हैं बीजेपी उसका जो है राजनीतिकरण कर रही है, फिर ऐसे बात करते हैं आप लोग। शांतनु जी बताएं भैया, जात पात पर आ गए, 8 सीट पर आ गए, मुख्यमंत्री जी, इनके मुख्यमंत्री जी ने जो बोला उनके ये गाजियाबाद के प्रदेश डिबेट में थोड़ा सा डिसिप्लिन रहेगा, अनुशासन रहेगा, आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है टाइम वेस्ट नहीं करें। शांतनु जी बताएं भाई, ये तो कह रहे हैं 8 सीट निकाल रहे हैं, ऑपोजिशन निकाल रही है, फिर मायावती क्यों चिल्ला रही है, ईवीएम से छेड़छाड़ हो गई, क्यों चिल्लाने लगी मायावती फिर भाई, सीटें निकाल रहे तो फिर किस बात का डर? देखिए चुनाव में एक टर्म होता है एंटीसिपेटरी बेल, कि भाई पहले से अगर आपको लग रहा है कि हार हो रही है तो आप पहले से कुछ तो शिगुफा छोड़ के डाल दें, जिससे जब नतीजे आएंगे 23 तारीख को तो आपके पास कुछ कहने को। देखिए आप लोग चैनलों में जितने भी बड़े सिफोलॉजिस्ट ले आए, पॉलिटिकल पार्टी से बड़े सिफोलॉजिस्ट कोई नहीं होते,
पॉलिटिकल हर पॉलिटिकल पार्टी को 3-4 बजे तक पता लग जाता है कि उसको वोट पड़ रहा है, क्योंकि वो पर्ची देते हैं, उनको पता लग मेरा वोटर आया नहीं आया, किसने किसके बूथ से जाके पर्ची ली, उसको पता लग जाता है 3-4 बजे तक कि मैं जीत रहा हूं हार रहा हूं। तो अगर भाई मायावती को 3-4 बजे तक पता लग गया, पुरानी नेता है, बिल्कुल जमीन की समझ है उनको कि कहां वोट जा रहा है, तो अब क्या करेगा वो? तो कहेंगे ईवीएम ही बचा है, अभी फिर कैराना में ईवीएम नहीं चला था, फुलपुर में नहीं चला था, गोरखपुर में नहीं चला था, अब ईवीएम आ गया। तो ये देखिए ईवीएम की डिबेट अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जो मोदी के घोर विरोधी हैं उन्होंने भी ईवीएम की डिबेट बंद कर दी है। भारत का इलेक्शन कमीशन बहुत समृद्ध इलेक्शन कमीशन है, विदेश के बहुत सारे इलेक्शनों में कंसल्टेंट है, ईवीएम अब विदेशों में सप्लाई करी जाती है। अब ईवीएम का जो जोक है वो अब मजाक भी अच्छा नहीं है, वो टॉपिक खत्म हो चुका है। शुक्ला जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है सर जी, एक तरफ सबका साथ सबका विकास, फिर दूसरी तरफ अभी मैंने सुना है अली वर्सेस बजरंगबली, फिर ये निजाम सर, फिर खानदानी एंट्री को निशाना बनाना, स्मृति ईरानी की एंट्री, सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ सर, मुझे लग रहा है यूपी की जनता भी कंफ्यूज होगी, आपका मुद्दा क्या है सर? बिल्कुल, ये क्या कार्ड है प्राइम मिनिस्टर आप या आप योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मायावती माइनॉरिटी का वोट मांगती है तो मेजोरिटी का वोट मांग ले सर, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर है जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, आप किधर हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, सबका साथ सबका विकास देगा योगी जी के तो ये क्या है, निजाम क्या है? सुन लीजिए, निजाम बहुत स्पष्ट, मैंने बताया आपको, निजाम जो पेश करो अपनी बेटी पेश करो, माँ भारती को डायन कहने वाले के खिलाफ है, कोई सांप्रदायिक नहीं है। और आदरणीय योगी जी के बयान को भी कृपया समझ लें, आदरणीय योगी जी कह रहे हैं आपको अली मुबारक, उन्होंने सिर्फ अली का वोट मांगा, और बजरंग मायावती के मॉडल पर चलने की बात नहीं, 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 का मॉडल नहीं है, उन्होंने नहीं कहा कि मायावती का माइनॉरिटी क्या, उन्होंने कहा कि वो मानती है। हाँ तो नहीं सुनिए तो मेरा, मायावती के मॉडल पर नहीं, बिल्कुल उनके मॉडल पर नहीं है, उनके मॉडल को ध्वस्त करते हैं, मोदी के मॉडल पे चलते हैं, उनके मॉडल को ध्वस्त करते हैं, वो कहते हैं हमको हमारे साथ हमको बजरंग बली विश्वास है, और विश्वास क्या है, सुमति निवार सुमति के संगी, नहीं बजरंग बली कुमति निवार सुमति के संगी है, वो ये कहते हैं जात पात की दीवार टूट जानी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, वही मैं कह रहा हूँ, सुने तो सही मेरी बात, जाति पात में विश्वास ही नहीं रखते हम, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और आदरणीय योगी जी कह रहे हैं आप करिए सांप्रदायिकता, आप मांगिए अली के नाम पे वोट, हमको बजरंग बली पे विश्वास है, क्योंकि बजरंग बली जो है, सुन लीजिए मेरी बात, क्योंकि बजरंग बली जो है वो कुमत निवार सुमत के संगी है, कुमत है सांप्रदायिकता, सुमत है सबका साथ सबका विकास। आपका कॉमेंट मुजफ्फर खान, बजरंग बली की बात करने वाले लोग ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के नाम पर देश के लोगों को ठगने का काम किया है, और बाबर के नाम पे आप चरण वंदना कर रहे हैं, इन्हें तो बात ही नहीं करनी चाहिए इन लोगों को, आप बाबर की चरण वंदना कर रहे हैं, हक नहीं बनता इनको बजरंग बली का नाम लेने का, बाबर का नाम कोई हक नहीं बनता आपको बजरंग बली का नाम लेने का, भूल गए कि नहीं आपने भगवान राम के नाम पर जिंदा करना भुला दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आपने ऐसा दाग लगाने का काम किया है, ठगने का काम किया है, जनता इंतजार, अरे बाबर अकबर को उन्हें तो दफन हुए जमाना हो गया, अभी देश की जनता आपको दफन करने जा रही है, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल आप चिंता मत करिए, समझती है, सोशल मीडिया का जमाना है, 2004 और 2009 के इलेक्शन से बहुत इलेक्शन है, आप जो कहते हैं यहाँ पे कहते हैं कोई चैनल से सोशल मीडिया से बिल्कुल पहुँचता है। देखिए मेरे हिसाब से मंडल कमीशन के बाद से जातियों के आधार पर बहुत सारी जातिगत राजनीति 1957 से होती थी, लेकिन मंडल कमीशन के बाद से पार्टियां ही जाति की बन गई, यादव की पार्टी है, जाटवों की पार्टी है, ये बन गई, लेकिन देखिए आइडेंटिटी इशू है, आप उसे नकार सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता उसको नहीं बोलेंगे, महिला से रिलेट कर सकती है, युवा से रिलेट कर सकता है, और एक दलित से रिलेट कर सकता है, वो एक इशू हर समय रहेगा, आज भी रहेगा, विदेश में भी है, वो किसी और नाम से है, आइडेंटिटी चुनाव में होनी चाहिए, जाति कैसे आधार होगी सर, यही तो लड़ाई है, यही बात तो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, आइडेंटिटी लड़ाई हर समय रहेगी, मेरे पास समय इतना ही है भाई, आइडेंटिटी इंडियन होनी चाहिए, एक बात बहुत क्लियर है, आइडेंटिटी इंडियन होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, और ब्रेक में जाने से पहले आपको एक सूचना देते जाएं कि आज देश स्पेशल में 7:55 पर 50 सेकंड में जनता ने मोदी को दिया सबसे बड़ा वचन क्या है, देखना ना भूले आप।